आज की हमारा मूवी है बैड टीचर। ये एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एलिजाबेथ नाम की एक लेडी को देखते हैं, और वो एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है और वो एक टीचर भी है, लेकिन उन्हें ये टीचर का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो एक अमीर लड़के से शादी करके अमीर बनना चाहती है। इसलिए वो एक रिच बॉय के साथ डेटिंग भी कर रही थी और वो उसके साथ जल्दी शादी भी करने जा रही है, इसलिए वो अपने टीचर की नौकरी को छोड़ देती है। इसके बाद स्कूल के सभी टीचर्स ने उन्हें एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। जब वो उनके घर जाती है तब उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ होता है, और यहाँ एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने एलिजाबेथ का सारा सामान पैक करके रखा है, क्योंकि उसकी माँ ने उनको समझाती है कि एलिजाबेथ ने उनसे प्यार नहीं करा रही है बल्कि उनका पैसों से प्यार कर रही है। और वो साबित करने के लिए एलिजाबेथ से उनके बॉयफ्रेंड के बर्थडे के बारे में पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ को अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे भी याद नहीं रहता। ये देखकर एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने भड़क जाते हैं और फिर उनसे ब्रेकअप कर देता है और एलिजाबेथ को घर से निकाल देता है। अब एलिजाबेथ के अमीर लड़के से शादी करने का प्लान भी बर्बाद हो जाता है, और फिर 3 महीने बाद सारा पैसा भी खत्म हो जाता है। उसे उसी स्कूल में फिर से टीचर की नौकरी शुरू करती है। जैसे ही वो स्कूल में जाती है और वो एमी नाम के एक दूसरे टीचर से मिलती है। जब एमी एलिजाबेथ से अच्छी तरह से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उससे ठीक से बात नहीं करती है और ये बात एमी को बहुत बुरी लगती है। फिर एलिजाबेथ एक और शिक्षक से मिलती है जो स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और वो उसे बताती है कि वो जल्द ही एक अमीर लड़का ढूंढे और उसे शादी करे और इस टीचर की नौकरी छोड़ दे। उसी रात एलिजाबेथ एक बार में जाती है ताकि उसे वहाँ कोई अमीर लड़का मिल जाए। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है वो लड़का अमीर नहीं है तो वो उसे दूर भगाती है। उस रात उसे कोई अमीर आदमी नहीं मिलता है और वो निराश होकर घर जाती है और सो जाती है, लेकिन उसी फ्रस्ट्रेशन में उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वो बहुत आलसी महसूस करती है और उसे नींद भी बहुत आना शुरू होती है। इसलिए वो क्लास में टीवी चालू करती है और स्टूडेंट्स को टीवी देखने के लिए कहती है और वो क्लास में ही सो जाती है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ ने लंच ब्रेक पर कैंटीन जाती है। इसके बाद स्कूल के जिम टीचर रसेल भी वहां आते हैं, और रसेल को एलिजाबेथ से लंबा समय से क्रश है, लेकिन वो भी एक टीचर है और उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए एलिजाबेथ उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती है। फिर जब एलिजाबेथ कैंटीन से बाहर निकलती है तो उसने एक हैंडसम टीचर को देखती है, और उस टीचर का नाम स्कॉट है। स्कॉट ने बहुत महंगी घड़ी पहन रखी है, जिसे देखकर एलिजाबेथ समझती है वो स्कॉट बहुत अमीर है। फिर एलिजाबेथ स्कॉट से मिलती है तो उसको पता चलती है वो स्कॉट कुछ समय के लिए स्कूल में पढ़ाने आया है, लेकिन उसे क्लास नहीं मिल रही है, और एलिजाबेथ उससे बात करती है। तब उसे पता चलती है कि स्कॉट सिंगल है, और स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है। स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी, और उसका फिगर देखकर एलिजाबेथ फैसला करती है। जब वो स्कॉट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने ब्रेस्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस सर्जरी में उसे कुल $9,000 का खर्च आएगा। ये सुनकर एलिजाबेथ चौंक जाती है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करके कुछ कर्ज मांगती है। और एलिजाबेथ के सभी दोस्त उसके बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए एलिजाबेथ को कोई उधार नहीं देता है। अगले दिन स्टूडेंट्स ने क्लास में एलिजाबेथ को बताता है कि 7वीं क्लास की टीम इस वीकेंड कार वॉश करवा रही है, और पिछली बार इन स्टूडेंट्स ने कार वॉश करके $6,000 कमाए थे। ये सुनकर एलिजाबेथ चौंक जाती है और वो अपना ब्रेस्ट ट्रांसप्लांटेशन कराने का अवसर देखती है। एलिजाबेथ ने फैसला करती है कि इस बार वो कार वॉश टीम को लीड करेंगी, लेकिन वो स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी एमी ने टीम को लीड कर रही है। एलिजाबेथ फिर एमी को रास्ते से हटाने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है, और प्रिंसिपल को अपनी बातों से बहकाकर वो खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। फिर जब कार वॉश डे आता है तो उस दिन एलिजाबेथ बहुत छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिसे कई आदमियों को सेड्यूस करती है, और कई लोग कार वॉश में आते हैं। एलिजाबेथ इस कार वॉश से बहुत पैसा कमाती है, लेकिन वो इस पैसे में से कुछ चुरा लेती है और अपने पास रख लेती है, लेकिन एमी ऐसा करते हुए उसको देखती है और फिर इसकी शिकायत प्रिंसिपल से भी करते हैं, लेकिन उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल ने एमी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके बाद एमी एलिजाबेथ से काफी नाराज हो जाती है, और फिर जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही है तो एमी वहां आ जाती है, और जानबूझकर एलिजाबेथ का अपमान करने के लिए वो स्कॉट को एलिजाबेथ की सर्जरी के बारे में बताती है, लेकिन स्कॉट एलिजाबेथ की रिस्पेक्ट करता है, और इधर एमी का प्लान फेल हो जाता है।
फिर धीरे धीरे एलिजाबेथ की जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगता है। माता पिता स्कूल में एलिजाबेथ को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर सके। एलिजाबेथ अपने ब्रेस्ट ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू करती है। एक बार फिर स्कॉट एलिजाबेथ को स्कूल की विंटर पार्टी में बताता है कि वो एमी को पसंद करता है। ये सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह से टूट जाती है और उसे बुरा लगती है। इसके बाद एलिजाबेथ की मुलाकात स्कूल के जिम टीचर रसेल से होती है और दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक विंटर पार्टी में एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स में से एक के पेरेंट्स ने एलिजाबेथ को डिनर के लिए अपने घर में इनवाइट करते हैं। इस स्टूडेंट्स का नाम गैरे है। गैरे सभी को बताता है कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी को पसंद करता है और वो उन्हें बताता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, जिसके लिए गैरे ने एक कविता भी लिखी है। ये जानकर एलिजाबेथ निजी तौर पर गैरे को बताती है, वो रोसी तुमसे कभी अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि एलिजाबेथ अपने स्कूल की सबसे हॉट गर्ल भी थी और वो जानती थी कि कोई भी लड़की गैरे जैसे बोरिंग लड़के को डेट नहीं करना चाहेगी। फिर कुछ दिनों बाद स्कॉट स्कूल में एलिजाबेथ से मिलता है और वो उसे अपनी बार पार्टियों में आने के लिए उसको इनवाइट करता है। रात में एलिजाबेथ बार पार्टी में जाती है। रसेल भी इस पार्टी में आते हैं और स्कॉट इस पार्टी में गाना शुरू करते हैं और गाना गाते हुए उन्होंने एमी को प्रपोज करता है। ये सब देखकर एमी काफी इमोशनल हो जाती है और दूसरी तरफ ये सब देखकर एलिजाबेथ काफी नाराज भी हो जाती है और वो अपने दोस्त के साथ पार्टी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और बाद में एलिजाबेथ के दोस्त ने उसे कार के अंदर बताता है कि स्कूल में टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें जो भी टीचर का स्टूडेंट्स बेहतर मार्क्स लाएगा उस टीचर को $5,700 का इनाम मिलेगा। ये सुनकर एलिजाबेथ फिर से सर्जरी के लिए पैसे जुटाने का एक मौका देखती है। अब अगले दिन वो अपनी क्लास में जाती है और अब वो सभी स्टूडेंट्स को सख्ती से पढ़ाना शुरू कर देती है ताकि उसकी क्लास की स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके और उसे इनाम के रूप में पैसे मिल सके। इस दौरान रसेल और एलिजाबेथ के बीच दोस्ती भी काफी अच्छी होने लगती है और दूसरी ओर एमी और स्कॉट अब डेटिंग शुरू करते हैं। इधर एलिजाबेथ ने स्टूडेंट्स को पूरे साल नहीं पढ़ाया था तो उसे जल्द ही इसका एहसास हो जाती है कि उनका कोई भी स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर पाएगा। ये जानकर भी एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो अपने स्टूडेंट्स को टॉप पर पहुंचाने की एक प्लानिंग बनाती है। फिर एलिजाबेथ ने अपना गेटअप बदलकर वो एक न्यूज रिपोर्टर बन जाती है और उस प्रोफेसर से मिलती है जिसने टेस्ट करवाया था। उस प्रोफेसर से मिलना एलिजाबेथ ने उसे बहकाया और वो एलिजाबेथ को अपने ऑफिस में ले जाता है। यहाँ एलिजाबेथ उस प्रोफेसर के ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ मिलाती है। इसे पीने के बाद प्रोफेसर बेहोश हो गया और एलिजाबेथ उस टेस्ट की आंसर शीट को चुरा लेती है। अब एक महीने के बाद वो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है और एलिजाबेथ का स्टूडेंट परीक्षा में सबसे टॉप आते हैं और फिर एलिजाबेथ को $5,700 का इनाम भी मिलता है। ये देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो अपनी सर्जरी करवा सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ एमी बहुत दुखी है क्योंकि उसने $5,700 नहीं जीते। फिर कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट्स को यात्रा पर ले जाया जाएगा, इसलिए एलिजाबेथ चाहती है कि एमी स्कॉट के साथ इस ट्रिप पर न जाएं। इसीलिए एलिजाबेथ एमी के कुछ एप्पल में कुछ मिलाती है। फिर जैसे ही एमी वो एप्पल खाती है तो उसके मुंह पर कुछ रिएक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से एमी नहीं जा सकती है। फिर जब एमी एलिजाबेथ को स्कॉट के साथ एक ट्रिप पर जाते हुए देखती है तो एमी को बहुत गुस्सा आता है। फिर एमी स्कूल आती है और एलिजाबेथ से नाराज होकर एलिजाबेथ की टेबल को अपनी क्लास में रखती है और अपनी टेबल को एलिजाबेथ की क्लास में रखती है। इसके बाद एमी ने खुद की तरह एलिजाबेथ की डेस्क का ताला तोड़ देती है। उसके बाद वो चेक करती है, फिर उसे यहाँ टेस्ट की उस आंसर शीट मिलती है। जो देखेगा वही समझेगा। इस तरह एलिजाबेथ की स्टूडेंट टॉप पर रही। फिर एमी उत्तर पुस्तिका लेती है और प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सब जानकर प्रिंसिपल नाराज हो जाते हैं और एमी से कहते हैं कि एलिजाबेथ को पनिश करने के लिए हमें उस एग्जाम के मेन प्रोफेसर के बयान की आवश्यकता होगी। फिर एमी प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाती है और गवाही देने के लिए तैयार करती है। यहाँ यात्रा के दौरान एलिजाबेथ स्कॉट मैनिपुलेट करती है और दोनों इंटीमेट होने का नाटक करते हैं, जिसकी खबर एलिजाबेथ एमी को देती है ताकि वो एमी और स्कॉट का ब्रेकअप कर सके। जब एमी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसकी बहुत शौकीन हो जाती है। फिर अगले सुबह एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स गैरे ने अपने क्रश का प्रस्ताव रखाता है तो उसका क्रश उसे मना कर देता है और सबके सामने गैरे का अपमान करती है। और गैरे को देखकर एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वो भी रसेल को जैसा ही कुछ कर रही है। असल में रसेल उससे बहुत प्यार करता है लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर करती है। तब एलिजाबेथ गैरे की मदद करने का फैसला करती है और वो अपनी ब्रा गैरे को देती है। तब एलिजाबेथ सबको बताती है कि उसने गैरे को एक सीनियर लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ा है।
फिर गैरी भी एलिजाबेथ की दी हुई ब्रा दिखाते हैं और ये देखकर हर कोई गैरी पर विश्वास करता है और उन्हें लगता है कि एलिजाबेथ झूठ नहीं बोल रही है और सभी स्टूडेंट्स गैरी को कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। इस दौरान एमी भी उस जगह पहुंच जाती है और एलिजाबेथ को बताती है कि मैं सब कुछ जानता हूं, जिस तरह आपने एग्जाम की आंसर शीट को चुरा ली है। लेकिन एलिजाबेथ ने उस प्रोफेसर को भेजने के लिए तस्वीरें दिखाई थी और वो फोटो दिखाकर उस प्रोफेसर को ब्लैकमेल करती है। दरअसल ये तस्वीरें तब एलिजाबेथ ने खींची थी जब प्रोफेसर नशे में थे। अब उन तस्वीरों को देखकर वो प्रोफेसर गवाही देने से इनकार कर देता है। इधर स्कूल में एलिजाबेथ को पता चलता है कि एमी ने अपनी डेस्क एक्सचेंज कर ली है। एलिजाबेथ जानती थी कि वो अपनी डेस्क के अंदर ड्रग्स रखती थी, वो डेस्क जो अभी एमी की क्लास में है। तब एलिजाबेथ ने प्रिंसिपल से शिकायत की, एमी स्कूल में नशा करती है तो पुलिस स्कूल में रेड करते हैं और एमी के डेस्क से नशा निकलता है। एलिजाबेथ ने वहां क्या रखा था ये देखकर पुलिस ने एमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। एमी सभी को बताने की कोशिश करती है कि ये डेस्क उसकी नहीं बल्कि एलिजाबेथ की है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। और इस घटना के बाद एमी को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद एलिजाबेथ रसेल से मिलती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और दोनों डेटिंग करना शुरू करते हैं और फिर यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये थी बैड टीचर मूवी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।